Hello friends, today I will discuss about how to make study schedule for CA, CS and CMA in the final. Okay, but first of all, congratulations to all who clear CA, CS, CMA exam. Okay, और जिसने जिसका एग्जाम नहीं निकला है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि उन्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके, एंड हार्ड स्टडी करनी चाहिए. मैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी एंड हाउ टू मेक स्टडी शेड्यूल इसके रिगार्डिंग में अभी वीडियो में सारी बातें बताऊंगा. ओके, हमारे एडवांस टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ 311 में से 160 स्टूडेंट इस बार पास कर चुके हैं. ओके, एंड जिनका रिजल्ट नहीं आया है सो हमारे एडवांस सीरीज के स्टूडेंट, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है और आपने बहुत सारे टेस्ट छोड़ी है, तो आपको अच्छे से स्टडी करके टेस्ट देने की ज़रूरत है. ओके, और हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है. ओके, एंड अगर आपको एडवांस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके ठीक है, सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव का देखते हैं, फिर टाइम टेबल भी मैं बता दूंगा. सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव का मैं प्लानिंग बताता हूँ. सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. ओके, ये शेड्यूल 1 सितंबर टू 9 दिसंबर तक अप्लीकेबल होगा, यानी कि 100 डेज. आप 100 डेज लो अपने स्टडी के लिए. ओके, एक शेड्यूल बनाना है आपको, उस शेड्यूल में 100 डेज का शेड्यूल रखना है. ठीक है, आपके पास टोटल 100 डेज है. एंड जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं स्टूडेंट उनके पास 7 बुक है, न्यू सिलेबस वाले के पास 8 बुक है जिनका बोथ ग्रुप है. तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डेली टारगेट है, यानी कि एक दिन में हम कितना स्टडी करें तो हमारा सारा चैप्टर सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए मिनिमम 1.5, मतलब कभी 2 चैप्टर हो गया कभी 1 हो गया, इस तरह से एक बैलेंस बना के आपको स्टडी करना होगा. इसके लिए आपको करना क्या है, एक थ्योरी वाले और एक प्रैक्टिकल वाले. रिमेम्बर, सबसे पहले ग्रुप 1 का स्टडी कंप्लीट करना है, फिर ग्रुप 2 का. एक साथ सभी को स्टार्ट नहीं करना है, पहले ग्रुप 1 का शेड्यूल बनाओ आप, और वो टारगेट बेस्ड स्टडी होना चाहिए. एक दिन में कम से कम, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो और बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हो, तो एक दिन में कम से कम 1.5 चैप्टर, यानी कि 1.5, कभी 2 चैप्टर, कभी 1.5 चैप्टर, कभी 1 चैप्टर, ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है. एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दो ही लेके चलो एक बार में. विद इन 50 डेज या 20 डेज अगर ये दोनों कंप्लीट हो जा रहे, फिर बाकी के 2 चैप्टर लो. यानी कि टारगेट स्टडी होना चाहिए, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने डेज बचे हुए हैं और जो हम पढ़ रहे हैं जिस स्पीड में, क्या हमारा स्टडी हो पाएगा. तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. तो एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल में डेट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, एंड डेट वाइज उस शेड्यूल को अचीव करो. ओके, मैं स्टडी टाइम टेबल आपको बता दूंगा. ये सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट का हो गया. मैंने आपको टारगेट दिया है कि आपको एक दिन में 1.5 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मिनिमम 2 चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन में. ये आपका टारगेट है. अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, तो आप पास नहीं हो पाओगे, आप फेल हो जाओगे. ठीक है, जिनका सिंगल ग्रुप है सीएस एग्जीक्यूटिव, जिनका सिंगल ग्रुप है, आपके पास भी 100 डेज है. ठीक है, 100 डेज है जिनका सिंगल ग्रुप है, एंड 75+ चैप्टर्स और 100 डेज है, यानी कि 0.75. ओके, मतलब आपको कम से कम 1 चैप्टर डेली स्टडी करना होगा. जिनका बोथ ग्रुप है डेली 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, और जिनका एक ग्रुप है उनको डेली 1 चैप्टर कंप्लीट करना है. ओके, प्रैक्टिकल वाले डेली 1 नहीं हो सकते, लेकिन वीक में प्रैक्टिकल वाले आप 3 कर लीजिए और थ्योरी वाले 7-8 कर लीजिए, तो एक बैलेंस बना के स्टडी कीजिए. ओके, सीएस प्रोफेशनल, ठीक है, जिनका ऑल ग्रुप है सीएस प्रोफेशनल, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए 1 सितंबर टू 9 दिसंबर, यानी कि 100 डेज आपको भी लेना है अपने स्टडी के लिए. हड़बड़ाओ मत, ठीक है, पेशेंस रखो और टाइम लो और स्टडी करो.
टारगेट स्टडी होना चाहिए और डेली टारगेट आपको अचीव करना है। मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट को दे दिया है जिनका बोथ ग्रुप है, आपका डेली टारगेट है दो चैप्टर, जिसका जिनका सिंगल ग्रुप है उनका डेली टारगेट है एक चैप्टर। अपने टारगेट को अचीव करो, अगर अचीव करते हो तो स्टडी तुम्हारा समय पे कंप्लीट होगा। बट जिनका सीएस प्रोफेशनल है और ऑल ग्रुप है उनका उनका क्या टारगेट होगा? देखिए आपके पास 110 चैप्टर्स है टोटल एंड 100 डेज है, ओके 1.1 मिनिमम वन चैप्टर डेली। बट मैं वन रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कम से कम दो चैप्टर जिनका सारा ग्रुप है कम से कम दो चैप्टर डेली आपको कंप्लीट करना होगा। ओके जिनका सिंगल ग्रुप है और डबल ग्रुप है उनको वन चैप्टर, जिनका ऑल ग्रुप है सीएस प्रोफेशनल जिनका ऑल ग्रुप है उनको दो चैप्टर डेली, एंड सीएस प्रोफेशनल सिंगल ग्रुप जिनका है उनको एक चैप्टर। सेम सीएस एग्जीक्यूटिव में भी मैंने बताया, ओके 1 सितंबर टू 30 अक्टूबर, ये सीए इंटर और आईपीसीसी जिनका बोथ ग्रुप है ये उनके लिए है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और दो मंथ ही बचे हुए, मैं इससे कम तो नहीं कर सकता क्योंकि दो मंथ से कम में आप पढ़ के पास नहीं कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीए वाले स्टूडेंट के लिए, वो आपको किसी एक ग्रुप का ही स्टडी करना है, दो मंथ में दोनों ग्रुप का स्टडी नहीं हो पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आप फिर से फेल हो सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आपको, अगर पास होना है तो सिर्फ एक ग्रुप के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, पहले एक ग्रुप का स्टडी कीजिए, अगर स्टडी कंप्लीट हो जा रहा है टाइम बच रहा है उसके बाद ही सेकेंड ग्रुप का स्टडी आपको करना है। ओके तो मैं आपको बताता हूँ आपका टारगेट क्या होगा, मिनिमम टू चैप्टर, मैंने मिनिमम दो चैप्टर बताया है, अगर तीन करना है तो तीन कर सकते हैं, बट दो से कम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सीए इंटर वाले स्टूडेंट है, जो आईपीसीसी वाले स्टूडेंट है जिनका बोथ ग्रुप है उनको मिनिमम दो चैप्टर डेली कंप्लीट करना होगा, एंड जिनका सिंगल ग्रुप है उनको मिनिमम वन चैप्टर। आप ज्यादा पढ़ो समय से पहले कंप्लीट होगा तो रिविजन कर पाओगे। सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू सिलेबस जिनका बोथ ग्रुप है, ओके आपके पास 60 डेज है और टोटल 160 प्लस चैप्टर और 60 डेज में, यानी कि 2.6, और आपके पास तो बहुत बर्डन है आप पे जिनका बोथ ग्रुप है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ग्रुप ही लेके जाओ दिसंबर नवंबर के लिए जो सीए के स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप फिर भी देना चाहते हो तो कम से कम तीन चैप्टर आपको डेली पढ़ने होंगे, 2.6 नहीं तीन चैप्टर पढ़ने होंगे मिनिमम। जिनका सिंगल ग्रुप है सीए वाले सीए फाइनल वाले उनको 1.3 यानी कि कम से कम कभी डेढ़ चैप्टर कभी एक चैप्टर कभी दो चैप्टर, ऐसे एक बैलेंस बना के आपको पढ़ना होगा, एंड वीकली टारगेट और डेली टारगेट आपको अचीव करना होगा। टाइम से पहले आपको अपना सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो टारगेट बेस्ड स्टडी बनाओ, स्टडी शेड्यूल बनाओ। अब बात करते सीएमए वाले स्टूडेंट के लिए, सीएमए के स्टूडेंट के लिए भी मैंने दिया है, सॉरी 9 दिसंबर नहीं होगा, ओके आप 30 नवंबर तक कंप्लीट कीजिए अपना स्टडी, ठीक है 30 नवंबर तक आपको स्टडी कंप्लीट करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपका डेली टारगेट होगा मिनिमम 1.1 चैप्टर, यानी कि कभी डेढ़ चैप्टर कभी दो चैप्टर कभी एक चैप्टर ऐसे, और जिनका सिंगल ग्रुप है उनको एक चैप्टर, ओके ये सीएमए वालों के लिए। What to do during study? Study के दौरान क्या करना है? आपको अपना डेली टारगेट अचीव करना है, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारा फ्री टेस्ट भी होता है पेड भी होता है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो तो बुक के पीछे क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिस करना होगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपना, ओके मैं बताता हूँ टाइमिंग अभी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली स्टडी करो, ठीक है। इस पीडीएफ फाइल को शेयर किया जाएगा टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आप प्रॉपरली देख पाओगे कि आपको क्या करना है, कुछ गाइडेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके कुछ गाइडेंस लिखे हुए हैं, तो ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दिया जाएगा। जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इन सारे चैप्टर कंपनी लॉ के इन सारे चैप्टर के सेक्शन को याद रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके इस पीडीएफ फाइल को मैं आज शेयर करूंगा। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इस पे एक वीडियो बन गया है,
फिर भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। ओके, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ कीवर्ड को नोट किया जाता है, सिर्फ कीवर्ड को। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सपोज, तो हम लिखेंगे टॉपिक में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर और उसका सेक्शन, एंड पॉइंट में जो भी लिखेंगे, जैसे सबसे पहला ही इज नॉट अनसाउंड, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन, ही इज अनसाउंड माइंड, तो पूरा नहीं लिख के सिर्फ लिखेंगे अनसाउंड माइंड। ओके, सिर्फ अनसाउंड माइंड, तो ये हो गया कीवर्ड, यानी कि सिर्फ टॉपिक को लिखेंगे, और इस तरह से आप बना पाओगे शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जिस भी लेसन का आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उसका पेज नंबर अपने कॉपी में भी लिखो, पेंसिल से अपने बुक में भी लिख दो कि इसका शॉर्ट नोट्स बन गया है, एंड कॉपी में भी लिखो कि इसका पेज नंबर ये है। ये हेल्प होगा इससे। ओके, अब तो ये हो गई, उसके बाद मैं टाइम टेबल आपको बताता हूँ। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, एडवांस टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। फुल गाइडेंस मिलेगा, मंथ में 2 बार कॉल किया जाएगा आपको, और सजेस्टेड आंसर भी मिलेगा, आपके पेपर भी रिटर्न किए जाएंगे। ओके, अब टाइम टेबल देखते हैं। जिनका बोथ ग्रुप है, उन्हें कम से कम 15 घंटे स्टडी करने होंगे, जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, और जो वर्क करते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इनकम के चक्कर में आपका लॉन्ग टर्म इनकम चला जाएगा। सबसे पहले 15 घंटे आपको पढ़ना होगा, अगर आपका बोथ ग्रुप है, 3 आवर्स × 4 टाइम्स, यानी कि 3 आवर्स, मतलब जब आप स्टडी करने के लिए बैठे हो तो मैक्सिमम 3 आवर्स से स्टडी करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिर थोड़ा देर गैप लो और फिर स्टडी करो, यानी कि गैप ले ले कि 4 टाइम्स से स्टडी करना है जिनका बोथ ग्रुप है, तो ऐसे 12 घंटे हो गए। 1 घंटे आपको देने हैं शॉर्ट नोट्स में, और 1 घंटे देने, 2 घंटे देने आपको टेस्ट सीरीज में, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और रिमेम्बर, जिन जो जो स्टूडेंट ने मेरे कंसेप्ट को, मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, उन सबका रिजल्ट आज आ चुका है, सभी पास हो चुके हैं। अगर आपका बोथ ग्रुप है, तो आपको 15 घंटा स्टडी करना होगा, बिना 15 घंटे का आप पास नहीं करोगे। ठीक है, मैंने बता दिया, 15 में 12 घंटे आपको स्टडी करना, 1 घंटे शॉर्ट नोट्स और 2 घंटे टेस्ट सीरीज। मैंने इसमें टाइम का 4 सेट बनाया है, सेट ए, ओके, आप सेट ए को फॉलो कर सकते हो, कब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, कब प्रैक्टिकल पढ़ना है, कब शॉर्ट नोट्स बनाना है, ओके, कब टेस्ट देना, मैं सभी चीजें इसमें मेंशन किया हूँ। अगर आप कभी सुबह 5 बजे उठते हो, तो 5 बजे वाला शेड्यूल फॉलो करो, अगर आप 6 बजे उठोगे तो 6 बजे वाला करो, अगर आप 7 बजे उठोगे तो 7 बजे वाला कर सकते हो। ठीक है, अगर 8 बजे आप उठते हो तो 8, ओके, टोटल 4 सेट है, आप किसी भी एक सेट को कभी भी फॉलो कर सकते हो। अगर आज आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे वाला फॉलो करो, और अगर कल आप 6 बजे ना उठ पाए, 7 बजे उठे, तो 7 बजे वाला फॉलो करो, तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। एंड इट इज बेस्ट टाइम टू थ्योरी सब्जेक्ट, ओके, यानी कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टाइम है, प्रैक्टिकल के लिए बेस्ट टाइम है, उस टाइम को ही मैंने मेंशन किया है, आप इसे फॉलो करो, आप बिल्कुल पास होंगे। ये तो हो गया बोथ ग्रुप, जो सी ए, सी एस और सी एम ए वाले स्टूडेंट हैं, जिनका बोथ ग्रुप है, उनके लिए उनको 15 घंटे मिनिमम पढ़ने ही होंगे। जिनका सिंगल ग्रुप है, उनको मिनिमम 9 आवर स्टडी करना होगा, यानी कि 3 आवर्स करके 3 टाइम्स, ओके, 9 आवर्स इनको स्टडी करना होगा, 1 आवर एक्स्ट्रा मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड 2 आवर टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको 12 घंटा देना होगा। एंड रिमेम्बर, अगर आप सोचोगे कि एक ग्रुप में निकाल लो जॉब के साथ, तो आप इस वीडियो को देख लो और डाउनलोड कर लो, आप दिसंबर में फेल होने वाले हो। जो स्टूडेंट जॉब करके इस बार एग्जाम देगा, वो सभी फेल होंगे। पिछले बार भी मैंने सभी स्टूडेंट को बोला था, आप जॉब छोड़ दो, एंड जिन जिन ने मेरी बात को नहीं माना, जॉब किया और एग्जाम दिया, वो सभी आज फेल हो चुके हैं, एंड सभी के मैसेज मेरे पास आए हैं। अगर आपको पास होना है, आपको जॉब छोड़ना ही होगा, आप जॉब छोड़ो, स्टडी करो और टेस्ट दो, मैं आपके साथ हूँ,
मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट स्टेट हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर, ओके, इन फुल गाइडेंस में दूंगा। जिनका सिंगल ग्रुप है उनके लिए भी 4 सेट है, आप इसमें से किसी एक सेट को फॉलो कर सकते हो। इस पीडीएफ फाइल को टीएसपी के ग्रुप में आज शेयर किया जाएगा, ओके। मैंने ये सभी चीजें आपको बता दी है। इस पीडीएफ फाइल को ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसके बाद इस पीडीएफ के हेल्प से आप अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाइए। एक चीज आपको याद रखना है, टारगेट स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली टारगेट अचीव करोगे, देखो एक मंथ का मत सोचो कि एक मंथ में मुझे यहाँ तक जाना है, 2 मंथ में यहाँ तक जाना है, आज आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। आज के बारे में सोच के स्टडी करो कि आज मुझे इतना करना है, ठीक है। कल के भरोसे पे आप अपना स्टडी मत छोड़ो, क्योंकि दिसंबर सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारा टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज भी होने वाला है, फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फी बहुत कम है हमारा, 200 पर सब्जेक्ट, सिर्फ 200 ही है हमारा फी, ओके। दूसरी चीज है, अगर आप इग्नोर करते हो तो इससे आपको लॉस हो। स्टडी का क्या प्रोसेस होता है, पहले तो आपको स्टडी करना है, वो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ। इस पे एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ, 2-3 दिनों में एक वीडियो आएगी, हाउ टू रिमेम्बर एवरीथिंग, कैसे रिमेम्बर रखा जाए, कैसे याद किया जाए, क्या कंसेप्ट है पढ़ने का, कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे पढ़ी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इस पे एक वीडियो आएगा, ओके। बट मैं इसमें आपको एक कहना चाहूंगा कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना होगा, खुद को आप मोटिवेट करो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप प्रैक्टिस करो। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो 9 बार फेल होके इस अटेम्प्ट में पास हुए हैं, क्योंकि उसने अपना पेशेंस नहीं खोया और वो अपने मिस्टेक को समझा कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की, ओके, एंड उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और आज वो फाइनल लेवल में है। आप अपने गलती को सुधारिए तभी आप फाइनल लेवल में जाएंगे, ठीक है। अगर आप पेड टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, आप फ्री टेस्ट लीजिए, जिसके लिए टीएसपी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। फ्री टेस्ट सीरीज सीए का 29 अगस्त से स्टार्ट है एंड सीएस का 1 सितंबर से स्टार्ट है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे आपके पेपर मेरे पास आएंगे तो हमारी टीम एनालाइज करेगी और देखेगी कि आपके टेस्ट में क्या, आपके पेपर में क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम है, ओके। फिर उसके रिगार्डिंग हमारी टीम आपको कॉल करेगी और फुल गाइडेंस देगी। एक भी टेस्ट मिस कर मत करो और ये फ्री टेस्ट का लास्ट बैच है, उसके बाद सिर्फ पेड टेस्ट ही चलेगा, ओके ओके। सी यू सून।